तो दोस्तों फाइनली बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन लेकर आ चुका हूँ जिसके जरिए से आप यहाँ पर इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के जरिए से ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने वो सारी डिटेल्स के साथ क्लियर किया है और मुझे यहाँ पर कितने की लिमिट्स मिली इसका भी प्रूफ आपको इस वीडियो में दूंगा, साथ साथ यहाँ पर लाइव अप्लाई करके बताऊंगा किस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि कौन कौन से एप्लीकेशन लॉकडाउन में वर्क करिए लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ मैंने बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं किस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है, किन सिटी में लोन सर्विस ये दे रही है, सारी डिटेल के साथ मैंने वीडियो में कवर किया है। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पे वीडियो को करिएगा लाइक, हमारे चैनल पे पहली बार आया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पर, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपको लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ बताऊंगा कि यहां पर मुझे कितने की लिमिट्स मिली है और किस तरह से मैंने यहां पर लाइव अप्लाई किया है, सारे डिटेल के साथ आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए और जानिए समझिए तभी यहां पे आप लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों जिस एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ये है रुपी फैक्ट्री, जो कि ऑनलाइन पर्सनल लोन ऐप के जरिए से यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन के जरिए से मैंने सारे डिटेल आपको बताऊंगा किस तरह से लाइव अप्लाई किए जाते हैं, किस तरह से प्रोसेस या फिर किस तरह का इंटरफेस आपको इस एप्लीकेशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा कोई भी तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं देना होता है, जैसे मैं यहाँ पर कोई बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, सारे डिजिटल ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं, यहाँ पर कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ वीडियो में आपको साथ शेयर करने वाला हूं। इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने से पहले आपकी एलिजिबिलिटी कुछ इस तरह से होना चाहिए, अगर आप इंडियन सिटीजन है, आपकी एज 18 साल से ऊपर है और साथ ही साथ यहाँ पर मंथली इनकम आपकी है तो ही आप यहाँ पर लोन के अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पर आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो इनके दिए गए ईमेल के जरिए से आप सपोर्ट ले सकते हैं और इनके दिए गए कस्टमर हेल्पलाइन नंबर के ऊपर भी आप यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से एप्लीकेशन के ऊपर हमें लोन्स के लिए अप्लाई करना है लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ। तो दोस्तों ये रूपी फैक्ट्री एप्लीकेशन को यहाँ पर देख पाएंगे, मैंने फाइनली यहाँ पर एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, आपको भी इंस्टॉल करके ओपन यहाँ पर कर लेना है और यहाँ पर रेटिंग की अगर हम बात करूँ 4.1 की रेटिंग आपको मिल जाएगी और 1 लाख से ऊपर इस एप्लीकेशन को काफी लोग डाउनलोड कर रखे हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पर सीधा ओपन मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों जब भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा जिसमें कि आपको यहाँ पर कुछ परमिशन देने होंगे, जिसमें कि लोकेशन, कॉन्टेक्ट, मीडिया, गैलरी, ऑडियो, इंस्टॉल एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पर परमिशन देने होंगे। ये सारे परमिशन देने के लिए आपको ओके लेट्स गो वाले बटन के ऊपर सिंपल क्लिक कर लेना है और कुछ इस तरह से आपको अलाउ कर देनी है जिसके जरिए से आप यहाँ पर परमिशन दे पाएंगे और यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जब भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे। इस डैशबोर्ड के अंदर में देख पाएंगे यहाँ पर मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट 10,000 रुपये दिखाए जा रहे हैं। अब ये 10,000 रुपये के लिए कैसे हम यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे सारे डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ बताऊंगा, लाइव स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर सारे डिटेल यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद आपकी एवेल्यूट होगी डॉक्यूमेंट के साथ कि आपको यहाँ पर कितने लिमिट्स मिलनी चाहिए, अगर आपको कोई भी लिमिट्स आपको मिलती है उसके बाद यहाँ पर लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा आधार ओटीपी के जरिए से और अपने बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट को क्रेडिट कर पाएंगे। तो सारे डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले बटन के ऊपर सिंपल क्लिक कर लेना है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक मोबाइल नंबर देनी होगी, कोशिश कीजिएगा आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर होगा रजिस्टर्ड वही नंबर यहां पर डालिएगा ताकि आपके फास्ट प्रोसेसिंग हो सके, उसके बाद यहां पर अप्लाई कर देना है। दोस्तों स्क्रीन के सामने यहां पर देख पाएंगे जो भी आपने यहां पर नंबर दिया उस पर एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी के जरिए से आपको यहां पर वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। तो फाइनली ओटीपी आ चुका है, मैं वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेता हूं। दोस्तों वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे माय प्रोफाइल के अंदर में यहाँ पर 4 पड़ाव मिलते हैं, यहाँ पर देख पाएंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करानी होगी, साथ साथ यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देने होगी और साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना होगा। यानी ये 4 स्टेप में एप्लीकेशन ये वर्क करती है, मैं 1 बाय 1 वो सारे डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एक आपको सेल्फी लेनी होगी, यहाँ पर पैन कार्ड का फ्रंट कॉपी आपको अपलोड करना होगा, साथ साथ यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट और बैक कॉपी अपलोड करने होंगे। जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करते ही आपको यहाँ पर पैन नंबर, पैन नेम, आधार
आधार नंबर, आधार नेम और साथ साथ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे अपलोड करेंगे वो सारे डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे। तो चलिए मैं सारे डिटेल यहाँ पर फिलअप करने के बाद नीचे से कंटिन्यू कर लेता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी अब आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा। आपके आधार कार्ड में जो भी आपका नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, वही आपको यहाँ पर करेक्ट डिटेल के साथ आपको फिलअप करना है। आपके फुल नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, साथ साथ अपना ईमेल आईडी बताइए, करेंट रेसिडेंट एड्रेस डिटेल के साथ बताइए और साथ साथ यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल आपको बतानी होगी, मैरिटल स्टेटस बताना होगा, अपने खुद के घर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, रेंट के जरिए से रहते हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको डिटेल के साथ बताना होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी बताने होंगे और किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं वो सारे डिटेल आपको फिलअप कर लेने होंगे। तो चलिए मैं सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद में आगे का प्रोसेस बताता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में आप करते क्या है वो सारे डिटेल आपको देने होंगे। यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करूँ तो आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, किस तरह का वर्क करते हैं, वो सारे डिटेल आपको देने होंगे। आप आईटी स्टाफ हैं, वर्कर हैं, टीचर हैं, शिपिंग काउंटर हैं या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो भी आप होंगे अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर बात आती है कंपनी का नाम आपको बताने होगी, किस कंपनी से आप बिलोंग करते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी सैलरी रेंज आपको बतानी होगी कि आपकी सैलरी क्या है। दूसरी बात यहाँ पर पे मेथड आपसे पूछा जाएगा कि आप किस जरिए से पेमेंट रिसीव करते हैं, कैश या फिर बैंक के जरिए से, तो अपने हिसाब से यहाँ पर बैंक ट्रांसफर चूज कर सकते हैं या फिर कैश के जरिए से। दोस्तों यहाँ पर फोर स्टेप में बात करें तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा, यानी दो कॉन्टैक्ट रेफरेंस नंबर शेयर करने होंगे, वो भी नाम नंबर के साथ। तो मैं चलिए सारे डिटेल यहाँ पर फिलअप करके नीचे से कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली देख पाएंगे कि यहाँ पर फोर स्टेप में एप्लीकेशन ये कंप्लीट हो जाती है। इस एप्लीकेशन के अंदर हमें कोई भी बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप की जरूरत नहीं पड़ती है। इस एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ आधार पैन के साथ एप्लीकेशन ये वर्क करती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बैंक ऐड कैसे करें, यानी बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करेंगे और किस तरह से अपने बैंक अकाउंट को, अपने बैंक अकाउंट में कैसे लोन अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सारे डिटेल के साथ आपको हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सबमिट करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख पाएंगे कि यहाँ पर 3000 के फिलहाल लिमिट्स मिली है, वो भी 7 days के लिए। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर मुझे लोन मिला है। अगर 3000 रुपए के लिए अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पर 2086 रुपए कुछ पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर रिपेमेंट अमाउंट जो भी होंगे 3000 रुपए होंगे। प्रोसेसिंग फी के नाम पे 600 रुपए ले जा रहे हैं। GST ऑन प्रोसेसिंग फी की अगर हम बात करूँ 108 रुपए मुझे यहाँ पर देने होंगे। साथ साथ यहाँ पर इंटरेस्ट फी की अगर हम बात करूँ 205 रुपए कुछ पैसे देने होंगे। अगर आज के डेट में अगर हम लोन्स के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ड्यू डेट यहाँ पर कुछ इस तरह से होंगे जो कि 12 जुलाई 2020 को लोन को रिपेमेंट करना होगा, वहीं पे 7 दिनों के बाद लोन को रिपेमेंट करना होगा। अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बता दूँ यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन आपको मिलता है। अगर आपको लगता है कि लोन लेने के बाद लोन को रिपेमेंट कर पाएंगे 7 दिनों के बाद, तभी यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर लोन की अप्लाई करिएगा। मैक्सिमम लोन टर्म की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे एप्लीकेशन के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, जैसा कि स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, एक बार वीडियो के अंदर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत से एप्लीकेशन के बारे में बताया, जैसे कि इंजॉय हो गए, नवी लोन्स एप्लीकेशन हो गए, क्रेडिट भी हो गए, बहुत से एप्लीकेशन जो फिलहाल एप्लीकेशन ये वर्क कर रही है। तो दोस्तों लॉकडाउन में कौन कौन सा एप्लीकेशन वर्क करिए मैंने सारे डिटेल के साथ वीडियो बनाया है। अगर वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ हमेशा वीडियो इस चैनल के ऊपर मैं लाते रहता हूं। आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और बैंक अकाउंट ऐड करके अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करना चाहते हैं लोन अमाउंट को, तो आपको ऐसे में यहाँ पर ऐड करना होगा बैंक अकाउंट डिटेल, उसके बाद अपने बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट को ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, जैसे कि मैं IFSC कोड, अकाउंट नंबर और कन्फर्म कर लेनी होगा अपने बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद नीचे से सबमिट कर लेना है। तो चलिए मैं सारे डिटेल्स यहाँ पर मैं फिलअप पहले कर लेता हूँ। दोस्तों फिलअप करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे वेरिफिकेशन प्लीज़ वेट एफ ए मोमेंट, यहाँ पर देख पाएंगे फाइनली यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अगर आप यहाँ पर 3000 रुपये लेते हैं तो 7 दिनों के बाद लोन को रिपेमेंट करना होगा, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। लोन अप्लाई करने के बाद मैं आपको बता दूँ आपको 7 दिनों के बाद लोन को रिपेमेंट करना होगा। अगर आपको लगता है कि लोन को रिपेमेंट कर पाएंगे 7 दिनों के बाद, तभी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। लोन अप्लाई करने से पहले लोन एग्रीमेंट एक बार जरूर चेकआउट कर लिया कीजिए, क्योंकि उस लोन एग्रीमेंट में काफ़ी डिटेल्स आपके दिए हुए रहते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल के साथ आपको बताया कि किस तरह से ये रूफी फैक्ट्री एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से एप्लीकेशन के ऊपर लोन के लिए अप्लाई करना होता है। मैंने सारे डिटेल के साथ आपको बताया कितनी की लिमिट्स मिली है, वो भी मैंने आपको बता दिया। मुझे यहाँ पर लोन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ भी आपको बताता, लेकिन मुझे यहाँ पर लोन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर मेरे लोन अभी चल रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूँ।